हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक कंटेंट लाया हूँ वो है मैजिकल शेयर नॉट इजी टू फाइंड। एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो कंपनी पिछले कह सकते हैं 3 साल से काफ़ी कर्जे में है और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 3 साल से नहीं आया है। साथ ही में अगर हम इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखें इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ग्रोथ या फिर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स तो काफ़ी अच्छा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है पूरा। यहाँ पे कंपनी कर्जे पे है, कंपनी का नेट प्रॉफिट आ नहीं रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है मैजिकल शेयर नॉट इजी टू फाइंड। ये जो स्टॉक है आपको हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, सभी को ये स्टॉक के बारे में पता रहेगा, लेकिन जब डिटेल एनालिसिस की बात करते हैं या फिर इसे इन्वेस्ट इसमें इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की बात करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होल्ड करने की बात करते हैं तो इस स्टॉक को काफ़ी कम लोग प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर हम FIS की बात करें, DIS की बात करें तो ये उनका फेवरेट स्टॉक है। साथ ही में जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है उन सभी में जो बड़े टिकट एंट्रीज रहते हैं उनमें ये स्टॉक आपको दिखेगा ही बाय डिफॉल्ट। मेरा जो दिवाली स्टॉक्स पिक्स थे, 12 दिवाली स्टॉक्स पिक्स लाया था उसमें भी ये स्टॉक मैंने इंक्लूड किया था और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। दिवाली से लेके अब तक काफ़ी अच्छा इस स्टॉक ने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस आपको देखने हैं तो वीडियो की शुरुआत में ही चैनल पे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस मेरे चैनल पे पब्लिश होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका जितने मेरे वीडियोज़ हैं उससे आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग और बेहतर हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, SIP मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफ़ी सारे हमारे कंपनी के और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे दिया है इस वीडियो का, फिर भी इन डिटेल ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो का मैं। इन दिस वीडियो विल गिव यू इनसाइट्स ऑन कंपनी विच हैज गिविंग गुड रिटर्न्स टू इज इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन डेप्ट। यानी कि कंपनी कर्जे में है लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, स्टॉक का जो ग्रोथ हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है। दिस कंपनी हैज़ टू मच डेप्ट इन इट्स बैलेंस शीट बट स्टिल हैज़ बीन गिविंग ग्रोथ इन इट्स स्टॉक प्राइस। कंपनी की अगर बैलेंस शीट इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो कंपनी का बैलेंस शीट अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें तो इस साल उनका कर्जा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, कर्जा बढ़ गया है। उसके बावजूद ये स्टॉक अच्छे से ग्रोथ हो रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो इन रेडार ऑफ FIS एंड DIS। रिटेल इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज इग्नोरिंग दिस स्टॉक व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। एवरी इन्वेस्टर मस्ट हैव दिस स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो एज पर देयर रिस्क एपेटाइट एंड होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए स्टॉक मार्केट में एक कोई फिक्स रूल बुक नहीं है कि कंपनी के अगर फंडामेंटल्स अच्छा है तो ही कंपनी का स्टॉक ग्रोथ अच्छा है। अगर हम काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज देखें इस समय डेट फ्री है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन स्टॉक ग्रोथ बहुत कम हो रहा है, उसके सामने अगर इसका हम ये स्टॉक का एग्जांपल देते हैं तो पूरा कॉन्ट्राडिक सिनेरियो है। कंपनी पे कर्ज काफ़ी है लेकिन कंपनी अभी भी अच्छा रिटर्न दे रही है और कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में एक फिक्स रूल बुक नहीं है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं तो ही स्टॉक का ग्रोथ होगा। कई बार फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे नहीं भी रहते हैं फिर भी स्टॉक का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते ही पहले सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है कंपनी का टोटल रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल रिजर्व्स यानी कि कंपनी के पास अभी कितना कैश पड़ा है, अराउंड 98,000 करोड़ कंपनी के पास पड़े हैं एज रिजर्व्स इन कैश। और कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखें इस समय लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो पिछले साल था 58,000 के आसपास, 58,000 करोड़ के आसपास, और इस साल है 70,471 करोड़ के आसपास। यानी कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पिछले साल से अगर हम कंपनी का डेप्थ कंपेयर करें तो पिछले साल 58,000 करोड़ था, इस समय 70,000 करोड़ का कर्ज है कंपनी पर, लेकिन उसके सामने कैश रिजर्व्स है 98,347 करोड़। तो कैश रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास। अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म जो है करीबन 12,000 करोड़ का कर्जा है, 11,800
11,900 करोड़ के आसपास इस समय शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का कर्जा है कंपनी पे, और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो करीबन 3400 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट पड़ा है कंपनी के पास, तो कैश इक्विवेलेंट भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 70,000 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 12,000 करोड़ है, उसके बावजूद ये स्टॉक अच्छे से ग्रोथ हो रहा है और अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 महीने का भी अगर हम इसका चार्ट देखें या पिछले 1 साल का चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छे से ये स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को ग्रोथ दिया है। नेट प्रॉफिट, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, नेट प्रॉफिट हमेशा आपको जीरो से नीचे ही दिख रहा है पिछले 3 साल से इस कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट कभी भी ये कंपनी आया नहीं है पिछले 3 साल में। और अगर लेटेस्ट भी हम चेक करें 30 जून 2020 का, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 16,46,000 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी पे, लॉस हुआ है इस कंपनी को। और अगर हम इसके पहले की बात करें, लॉस की बात करें, तो 84 लाख का लॉस हुआ था पहले, 16,46,000 का लॉस हुआ था। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 30 सितंबर 2020 की, तो वहाँ पे भी लॉस दिख रहा है आपको राइट साइड के स्क्रीन में, करीबन 85 लाख के आसपास इस कंपनी का लॉस है, वो काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है इस कंपनी को। लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, और यही बात आपको समझना है और ये बात को समझ के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये स्टॉक में, अब मैं मेन पॉइंट आपके सामने ला रहा हूँ, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में इस स्टॉक के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत ही जीरो कह सकते हैं, जीरो कॉम्पिटिशन स्टॉक को है। इसीलिए ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है, और इसीलिए इस स्टॉक, इस ये जो कंपनी है उसके सब्सक्राइबर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये कंपनी अच्छे से ग्रो हो रहा है और ये इन्वेस्टर्स को अच्छा ग्रोथ दे रही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़ीरो है। जब भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट ज़ीरो के लेवल का होता है, या फिर मोनोपोली स्टॉक कह सकते हैं, तो वो फंडामेंटल्स का बैलेंस शीट में कितने ही आपके बुरे क्यों ना हो, लेकिन अगर कंपटीशन ज़ीरो है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का ग्रोथ होता है, और ऑटोमेटिकली स्टॉक का ग्रोथ होता है तो इन्वेस्टर्स को अपने अच्छे रिटर्न्स मिलता है। अगर हम डिविडेंड रिकॉर्ड की बात करें तो डिविडेंड रिकॉर्ड भी देखिए, 2018 में 2.5 रुपया दिया था, उसके बाद 2019 में जो 2020 में डिविडेंड दिया था, लास्ट 6 अगस्त को डिविडेंड दिया था 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से। यानी डिविडेंड रिकॉर्ड भी देखे तो हर बार इसका डिविडेंड घटते जा रहा है, 2.5 से 2 रुपये तक आ गया ये, तो 2.5 से उसके 2 रुपये आ गया। फिर 2019 में राइट्स इश्यू निकाले थे, राइट्स इश्यू निकालने के बाद फिर वापस डिविडेंड 2 रुपया दिया है। तो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी देखे तो काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल दिस, ये भी एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल का पार्ट है डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। और अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, इसके रिलायंस कॉम्पिटिशन में है ही नहीं कह सकते, MTNL कॉम्पिटिशन में, फिर से मैं कहूँगा डॉल्फिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम दिखेंगे आपको इस समय, जो डॉल्फिन का सिम कार्ड आपके मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। टाटा टेली सर्विसेज कॉम्पिटिशन से ज़ीरो है, वोडाफोन फंडामेंटली काफ़ी इस समय बुरी हालत में है, लेकिन वोडाफोन का कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स हर महीने, अगर हम हर क्वार्टर चेक कर रहे हैं तो वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। और ये जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल एक ऐसा स्टॉक आ चुका है इस समय टेलीकॉम सेक्टर में जिसका कोई कंपटीशन नहीं रहा है, जीरो कंपटीशन का ये स्टॉक रहा है। रिलायंस जियो एक ही स्टॉक है जो इसको कंपटीशन दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं वाइस वर्सा, कि अगर रिलायंस को कोई मल्टीपैकर के कैटेगरी में लाता है तो रिलायंस जियो को कोई टक्कर देने वाला है टेलीकॉम सेक्टर में, तो वो एक ही भारती एयरटेल ही है। टेलीकॉम सेक्टर में 2 ही स्टॉक बचे हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, ये 2 ही स्टॉक है जिसमें टेलीकॉम सेक्टर पे ज़्यादा करके फोकस रहता है। रिलायंस को मल्टीपैगर के हिसाब से ज़्यादा करके चूज़ करते हैं, और इसीलिए भारती एयरटेल एक ही सिंगल स्टॉक बचा है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे पहले नंबर पे आता है। और हम अगर साथ ही जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ का, फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में 2 ही स्टॉक हाईलाइट होते हैं, या तो बाटा इंडिया या तो रिलैक्सो, यही 2 स्टॉक ज़्यादा करके हाईलाइट होंगे। लिबर्टी का भी स्टॉक है, लेकिन लिबर्टी ज़्यादा करके हाईलाइट में नहीं आता है। लिबर्टी स्टॉक्स ज़्यादा करके बहुत कम जन को पता है कि लिबर्टी करके कोई स्टॉक लिस्टेड है मार्केट में, और उसमें ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। रिलैक्सो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बाटा इंडिया काफ़ी अच्छा स्टॉक है। उसी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में इस समय अगर नंबर 1 पे कोई स्टॉक है वो है भारती एयरटेल, और इसीलिए भारती एयरटेल कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। दिवाली का जो मेरा वीडियो आप इस चैनल पे चेक कर सकते हैं, दिवाली टॉप पिक्स करके दिखेगा इन्वेस्टमेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट में, आपको दिवाली टॉप पिक्स 2020 का एक वीडियो है, उसमें मैंने भारती एयरटेल सजेस्ट किया था करीबन 480 के आसपास। और अगर हम
कल का क्लोजिंग देखे तो ऑलमोस्ट 600 प्लस का क्लोजिंग दिया है भारतीय एयरटेल ने फ्राइडे के दिन पे, तो काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को, और इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है और इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर पिछले 5 साल की हम बात करें इसके चार्ट की, तो चार्ट देखिए कह सकते हैं 2017 से लेके 2020 तक ये कॉन्स्टेंट कंसोलिडेशन में रहा था, और अब जाके ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक का और ऑलमोस्ट अपने हाई पे इस समय ये स्टॉक है। और इस समय पीएमएस अभी भी ये स्टॉक को पीएमएस जितने भी बड़े बड़ी पीएमएस टिकट एंट्रीज है, जितने भी बड़ी बड़ी पीएमएस करने वाली कंपनीज़ है, वो सभी कंपनीज़ आपको भारतीय एयरटेल अपने जो बड़ी टिकट एंट्रीज़ के पोर्टफोलियो रहते हैं उसमें सजेस्ट करेंगे कि भारतीय एयरटेल को उसमें आप इंक्लूड कीजिए। तो भारतीय एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है, ये जो वीडियो मैं बेसिकली मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए कि ये शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स रूल बुक नहीं रहता है, कोई फिक्स रूल नहीं रहता है कि फंडामेंटल्स अच्छा है टेक्निकल्स अच्छा है तो ये आपको इन्वेस्ट करना है। भारतीय एयरटेल को मैं पहले से रिकमेंडेड करते आया हूँ 480 के लेवल से, उसके पहले भी मैंने कई बार ये मेरे वीडियोस में रिकमेंड किया है, आज भी मैं भारतीय एयरटेल को रिकमेंड करूँगा इस वीडियो के थ्रू कि भारतीय एयरटेल को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखिए। अगर आप 1 से 1.5 साल इसको मिनिमम होल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, और एज़ पर द रेंज ऑफ द मार्केट अगर आपको इन एंड आउट करना है तो ये इन एंड आउट करने वाला भी स्टॉक है। ये इन एंड आउट आपको रेंज भी देता है जहाँ पे आप उसको ऊपर जाने के टाइम पे सेल कर सकते हैं और नीचे आने के टाइम पे वापस बाय कर सकते हैं, तो ये रेंज बाउंड स्टॉक भी है क्योंकि कंसोलिडेशन काफ़ी है स्टॉक में टाटा ग्रुप स्टॉक्स की तरह। तो भारतीय एयरटेल को आज भी मैं रिकमेंड करूँगा, और मेन मेरा जो इंटेंशन ये वीडियो बनाने का ये था कि स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स रूल बुक नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल अच्छे हैं तो ये आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आपके स्क्रीन पे इस समय आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको इक्विटी में, कम्युनिटी में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में ट्रेनिंग लेना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको दिखेंगे, इन्वेस्टमेंट वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जाइए, काफ़ी अच्छे बड़े वीडियोज़ मिलेंगे उसमें, और वीकली आपको कम से कम 5 से 6 बड़े वीडियोज़ मिलेंगे, डेली कुछ ना कुछ 2 छोटी लर्निंग्स मिलेगी जिससे आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग और बेहतर हो सके। तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट का मेरे चैनल पे। थैंक यू।